गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास सिक्स की संस्कृत का चैप्टर एट पढ़ेंगे। कौन सा? एट चैप्टर। ओके, अष्टम पाठ हो। अष्टम पाठ क्या है? लुट लकार हो। लकार भूतकाल मतलब पास्ट टेंस पर पढ़ेंगे। ओके, उत्तम पुरुष मतलब तीनों पुरुष जो अपन पढ़ते आ रहे हैं। अभी तक अपन ने कौन सा पढ़ा था? प्रथम पुरुष। अब उत्तम पुरुष पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट पर्सन और ऑल नंबर। ओके, फर्स्ट पर्सन मतलब इसमें क्या करेंगे कि अपन को क्या बताना है कि ये इंसान क्या कर रहा है। जैसे इसमें मैंने, ठीक है, मैं, हम दोनों, ये चीज़ें ऐसी यूज होगी। ओके, तो स्टार्ट करें। इसमें फर्स्ट है अहम गीतम अगायत, तो मैंने गीत गाया। ओके, अब ये किसके बारे में? खुद अपने बारे में बता रहा है कि अहम गीतम अगायत, मैंने गीत गाया। अहम वार्षिक उत्सव गीतम अगायत, तो मैंने वार्षिक उत्सव पर गीत गाया। वार्षिक उत्सव मतलब क्या होता है? जो अपने यहाँ बनाते हैं। ओके, अपने यहाँ जैसे बनाते हैं एनुअल फंक्शन, तो उसमें कैसे सिंगिंग होते हैं, डांसिंग होते हैं, है ना, ड्रामा होता, तो वैसे ही उसने भी क्या किया, अपने फंक्शन में गीत गाया। अहम उद्यानम अगक्षम, क्या? अहम उद्यानम अगक्षम, मैं बगीचे में गया। कहाँ गया? बगीचे में। कौन गया? मतलब मैं। तो जो फोटो में है तो वो बता रहा है कि मैं कहाँ गया, बगीचे में गया। अहम सरोवरे पुष्पम अपश्यम, मैंने सरोवर में फूल देखा। जो सरोवर था, तालाब, है ना, सरोवर मतलब तालाब, ठीक है, सरोवर मतलब तालाब, तो तालाब में क्या देखा? फूल देखा। ओके, उसके बाद आवाम सायकाले अभ्रमाओ, क्या है? हम, अब इसमें आवाम आ गया, तो इसमें क्या आएगा? दो। ओके, अभी तक हमने एक एक की बात की, अब क्या आएगा? दो की, तो दो में क्या आएगा? हम दोनों शाम को घूमे। हम दोनों कहाँ घूमे? शाम को घूमे। आवाम शने शने अचलाओ, शने शने मतलब होता है धीरे धीरे, तो आवाम हम दोनों धीरे धीरे चले। ओके, उसके बाद आवाम उत्तराव मतलब होता है तैरना। आवाम मतलब होता है हम दोनों तेरे। ओके, क्या? हम दोनों तेरे। आवाम तड़ांगे उत्तराव, तड़ांगे मतलब क्या होता है? तालाब, तो हम दोनों कहाँ तेरे? तालाब में तेरे। ओके, उसके बाद है वयम अनामम मतलब है हम सब ने नमस्कार किया। यहाँ पे एक नहीं है, दो नहीं है, दो से ज़्यादा है, तो क्या होगा? सब, ठीक है, तो वयम में मतलब क्या होता है? सब, तो हम सब ने नमस्कार किया। ओके, वयम ईश्वरम अनमाम मतलब हम सब ने ईश्वर को नमस्कार किया। ओके, फिर वयम अपीमाम, हम सब ने क्या किया? पिया, हम सब, है ना। ओके, हम सब, तो हम सब ने पिया। वयम दुग्धम अपीबाम, हम सब ने दूध पिया। क्या पिया? हम सब ने दूध पिया। ओके, ये हो गया, है ना, वयम दुग्धम तक ये हो गया। हाँ, हम सब ने दूध पिया, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद क्या आएगा? जंतुशाला, मतलब अब ये क्या है कि चिड़ियाघर। अब चिड़ियाघर में जो घूमने गए हैं, ठीक है, तो अब उनके बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो क्या है? एकदा अहम जंतुशालाम अगक्षम, एक बार में चिड़ियाघर गया, ठीक है। जंतुशाला मतलब क्या होता है? चिड़ियाघर, ठीक है ना। तत्र अहम अनेकान जंतुन अपश्यम, वहाँ मैंने क्या देखा? मतलब अनेक पशुओं को देखा। जंतुशालाया सिंहम भल्लुकः मृगः व्याघ्रः च आसन, मतलब चिड़ियाघर में क्या क्या चीज़ देखी? चिड़ियाघर में सिंह मतलब शेर, भल्लू का मतलब भालू, मृगा मतलब हिरण, व्याघ्रह मतलब चीता, ठीक है, च मतलब होता और, हिरण और चीता देखे, ठीक है। कश्यप मंदम मंदः अचलत, कच्छप मतलब क्या होता है?
कछुआ, कछुआ मतलब होता है कछुआ। कछुआ धीरे धीरे चल रहा था। ओके, वानर स्ततः अकूर्दन। वानर मतलब क्या होता है? बंदर। बंदर इधर उधर क्या कर रहा था? अकूर्दन मतलब कूदना, कूद रहा था। ठीक है, मयूर वृक्षस्य अधः अनृत्यत्। मयूर मतलब मोर। ठीक है, वृक्ष मतलब पेड़, अध मतलब नीचे। ठीक है, किसके नीचे? पेड़ के नीचे। अनृत्यत्, नाच, नाचना। तो मोर पेड़ के नीचे क्या कर रहा था? नाच रहा था। ठीक है, हंसो सरोवरे अतरताम। ठीक है, हंसो मतलब क्या होता है? हंस। ठीक है ना, हंस क्या कर रहे थे? दो हंस जो थे वो क्या कर रहे थे? सरोवर में तैर रहे थे। कहाँ तैर रहे थे? सरोवर में तैर रहे थे। वयम मोहनम अपश्याम यत जंतुशालायाम सर्वे जंतव स्नेह स्नेहन वसती। वयम मतलब हम सब ने मोहन से पूछा कि, है ना, क्या पूछा कि चिड़ियाघर में, जंतुशाला में, चिड़ियाघर में सारे पशु प्रेम से रहते हैं। मोहन अवदत्त, मोहन ने क्या कहा? आम जंतुशालायाम सर्वे पशवः परस्परम स्नेहं वसति। कैसे रहते हैं सभी? तो जब उसने पूछा तो क्या बोला मोहन? हाँ, चिड़ियाघर में सारे जंतु कैसे रहते हैं? पशु पक्षी आपस में प्रेम से रहते हैं। ओके, शुकः मनुष्यः इव अवदत्। शुकः मतलब क्या होता है? तोता। क्या होता है? तोता। तो क्या शुकः मनुष्य इव अवदत्? तो तोता, जो तोता है वो किसकी लैंग्वेज बोलता है? मनुष्य के, मनुष्य मतलब मनुष्य के समान बोल रहा है। अपन जैसे बोलता है वो भी क्या बोलता है? तोता बोलता है ना। पोसों के घरों में पालते हैं अपन तोता, तो वो भी वैसे ही बोलता है अपन जैसे बोलते हैं। तो ठीक है ना, तो तोता क्या मनुष्य की तरह बोल रहा है। कोकिले पंजरे है अकूजताम। कोकिले मतलब क्या होता है? क्या होता है? दो कोयल। ठीक है ना, तो क्या कोयल? तो क्या है? दो कोयल पिंजरे में क्या कर रही है? कूंज रही है, मतलब चिल्ला रही है, इस मधुर स्वर का कर रही है, आवाज निकाल रही है। ठीक है, जले मकर उत्तरत। जले मतलब होता है जल में, मकर मतलब मगरमच्छ। मगरमच्छ क्या कर रहा है? तैर रहा है। कच्छपहा परस्परम अक्रीड़न। जो कच्छप मतलब कछुए आपस में क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। सायकाले वयम ग्रहम अगक्षताम, है ना, शाम को हम सब घर गए। कहाँ गए? हम सब घर गए। ओके, तो एट्थ चैप्टर अपना होता है एंड। सभी को फिर कॉपी में क्लास वर्क, जिसको कहते हैं अपन क्या बोलते हैं, क्लास वर्क, क्लास वर्क 7 चैप्टर तक सभी को कंप्लीट करना है। ओके, और होमवर्क कॉपी में भी डेली डेली आपको क्या करना है? होमवर्क करना है। फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज जो भी हो, चाहे फिलअप हो, चाहे हिंदी में अनुवाद हो, चाहे मैचअप हो, जो फर्स्ट पे एक्सरसाइज होगी सभी को वो करना है। वन टाइम करना है, डेट टू डेट करना है, डे वाइज करना है। ओके, हर दिन करना है, हर दिनांक में करना है, और सभी को लर्निंग वर्क भी साथ में करना है। ठीक है, तो ये 8 चैप्टर अपना होता है एंड। अब नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ओके, जब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।